बिसम रिम असल हेलो रीवान उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो हमारा नावल है दैट्स फ्राम पाकिस्तानी लिटरेचर और लेडी ऑफ एलिस बटी बाई मोहम्मद हनी इस नावल पर तीन चार वीडियोज़ बनेंगी और इसमें हम डिस्कस करेंगे समरी थीम करेक्टर सेटिंग की फैक्ट्स एंड अबाउट ऑथर सो आज की जो वीडियो है दैट्स जस्ट अबाउट ऑथर एंड की फैक्ट्स ऑफ द नावल और टाइटल के सिग्निफिकेंस के बारे में हम देखेंगे सो टाइम कोस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टड टाइटल की जो सिग्निफिकेंस है आर लेडी सो so, आर लेडी जो है क्रिश्चियनिटी लोगों के बिलीव्स के मुताबिक जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके बिलीव्स के मुताबिक जो वर्जिन मैरी है जिसको हम मुस्लिम हज़रत मरियम कहते हैं तो क्रिस्चनटीज़ के बिलीव के मुताबिक ये इनकी आर लेडी है और ये टाइटल जो है राइटर एसोसिएट कर रहे है एक आम लेडी के साथ और वो आम लेडी कौन है एलेस बट्टी तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि राइटर जो है फ़ीमेल्स को सुपीरियर शो कर रहा है और लोग इसको एक्सप्लॉयट करते हैं किस को एलिस बट्टी को नावल में आप देखेंगे कि एलिस बट्टी को जो है लोग एक्सप्लॉयट भी करते हैं लेकिन राइटर ने इस फीमेल को जो माइनॉरिटी से बिलीव कर दी है मीन्स ये जो एलेस बट्टी है ये माइनॉरिटी से इसका तल्लक है और इसको सुपीरियर शो किया गया है अब बढ़ते हैं अबाउट ऑथर ऑथर की इंफॉर्मेशन अबाउट ऑथर मीन्स जो मोहम्मद हनीफ हैं ही वॉज बॉर्न इन ओकाडा पाकिस्तान आफ्टर लिविंग द पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी टू परस्यू अरियर इन जर्नलिज़म ही वर्क फॉर न्यूज़ लाइन इंडिया टूडे एंड द वॉशिंगटन पोस्ट तो इसके लिए इन्होंने काम भी किए थे ही हैज़ रिटन प्लेज फॉर द स्टेज एंड स्क्रीन और स्टेज और स्क्रीन के लिए इसने प्लेज लिखे थे जिसमें इंक्लूडिंग अटिकली ए क्लेम बी बी सी ड्रामा एंड द फीचर फिल्म द लॉन्ग नाइट ये भी एक फ़िल्म है ये इसने लिखी थी पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल फीचर फ़िल्म हनी फ़िज़ा ग्रेजुएट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट इंग्लियाज़ क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम एंड हिज़ फर्स्ट नावल ये जो इसके फ़र्स्ट नावल है दैट इज़ अ केस ऑफ एक्सप्लोरिंग मैंगोज़ वॉज पब्लिश इन टू थाउजेंड एट और ये जो है जर्नल हक ये उसको रेफ़र है मीनस उसकी तरफ एक रेफरेंस है क्योंकि जर्नल हक को भी जो है जहाज़ में जा रहे थे तो उसे उड़ा दिया गया था और ये नावल में आप फिर देखेंगे कि किस तरह इसने उस इंसिडेंट को जो है हिंट किया इट वॉज़ लॉन्ग लिस्टेड फॉर द टू थाउजेंड एट बुकर प्राइज़ तो इसकी वजह से इसे प्राइज़ भी मिली थी एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर दू थाजेंड एट गार्डियन फर्स्ट बुक अवार्ड एंड टू थाउजेंड नाइन कॉमन वेल्थ राइटर्स प्राइज़ इन द बेस्ट फर्स्ट बुक कैटेगरी ही वॉज़ हेड ऑफ़ द बी बी सीज़ उर्दू सर्विस एंड लिव्ड इन लंडन बट मूव बैक टू पाकिस्तान इन टू थाउजेंड एट पहले लंदन गए थे फिर वापस टू एट में जो है पाकिस्तान आए हि सेकंड बुक और लाइक हनीफ हैज़ रिटन फिल्म्स एंड स्टेज प्ले सच एज द लॉन्ग नाइट और द डिक्टेटर्स वाइफ ई ये इसके नावल्स हैं एंड हिज फर्स्ट नावल और ये सॉरी इसके प्लेस हैं और इसके जो नावल हैं वो है अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगज वाज एन एक्लेम्ड कामिक नाल दैट ऑन द बेस्ट फर्स्ट बुक अवार्ड इन द बुक प्राइज इन टू थाउजेंड नाइन द novel वॉज बेस्ड ऑन the plane क्रश या अगेन उसी इंसिडेंट को जो है डिस्कस किया गया है जो प्लैन क्रश हुआ था आ, किसका जर्नल ज़िया मुहम, जर्नल मोहम्मद ज़िया का जो फॉर्मर प्रजिडेंट थे पाकिस्तान के हनीफ सकेंड बुक अवर लेडी ऑफ एलिस बट्टी जो कि आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिश इन 2011 तो ये नावल जो है पब्लिश हुआ था टू में मेड हनीफ्स रेपोटेशन अमंग नोटड इंग्लिश नावल राइटर्स सो द बुक बैलेंस तो इसे जो है इसे भी मिली थी

हर्ट हॉस्पिटल फॉर ऑल एलिमेंट्स नीड अ मेडिकल एलिस बट्टी मे बी जस्ट वट दे आर लुकिंग फॉर शी इज़ द न्यू जूनियर नर्स ये जो एलिस बट्टी है ये नॉवल की प्रोटॉगनिस्ट है और ये जॉब करने आई है कहाँ पर सेक्रेट हर्ट हॉस्पिटल जो कि कराची में है कौन सी जॉब करनी है जूनियर नर्स की जॉब करने आई है एलिस इज़ अ कैंडिडेट फॉर द पोजिशन ऑफ जूनियर नर्स ग्रेड फोर इट इज़ ओनली अ फ्यू वीक सिंस हर रिलीज फ्राम बोस्टल शी हेज़ शी हेज़ रिटर्न टू हर चाइल्ड हुड होम इन द फ्रेंच कॉलोनी तो इसका जो चाइल्डहुड होम था वो फ्रेंच कॉलोनी में था जो कि कराची में है वेयर हर फादर हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्राम हिज पोजीशन एज अ चीफ जेनेटर कंटिन्यूज एज अ पार्ट टाइम हेलर एंड फुल टाइम हैड फॉर द लोकल चर्च तो इसके जो फादर थे वो भी रिटायर हुए थे कहाँ से ये चीफ जनटर से और फिर पार्ट टाइम जो है ये काम भी करते हैं एंड एलिस इज़ अ करस्िश्चन इन द इस्लामिक वर्ल्ड एलिस जो है एलिस बट ये एक क्रिश्चन वुमेन है एक लड़की है जो कि पाकिस्तान में रह रही है और पाकिस्तान में कहाँ रह रही है कराची में सो प्रोटोगेस्ट इज़ एलिस बट्टी और जो प्रोटॉगनिस्ट है ये एलिस बट्टी है और ये जो नावल के राइटर हैं मोहम्मद हनीफ आ, इसके नावल जब आप पढ़ेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये एक फेमिनिस्ट राइटर थे और लेडी ऑफ एलिस बट्टी इज़ अ कल्चरल फ़िक्शन नावल तो ये एक कल्चरल फ़िक्शन नावल है इसमें आपको डिफरेंट कल्चर्स भी दिखाए जाएंगे कि Uh, कौन से कल्चर में क्या क्या होता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर द नावल इज़ लव स्टोरी और इसमें लव स्टोरी भी है द मेन करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी इज़ एलिसस बेटी इज़ अ कैथलिक नर्स हु हैज़ जस्ट बीन रिलीज फ्रॉम प्रिजन तो इसे प्रिजन में भी रखा गया था और क्यों रखा गया था ये हम समरी में देखेंगे लेकिन ये कैथेलिक मीन्स क्रिश्चन कम्यूनिटी से इसका तल्लक है एलिस बेटी का मोहम्मद हनीफ रादर दैन शोइंग द रीडर्स द स्काई स्क्रपर्स हाईवेज और मोस् मॉस्ट ऑफ कराची ब्रिंग्स द फ्रेंच कॉलोनी ऑफ कराची विच इज़ होम टू मैनी चोराज़ और अनटचबल्स इन टू द लैम लाइट और इसमें हनीफ जो मिस्टर मोहम्मद हनीफ हैं जो राइटर है उसने कराची के बिल्डिंग्स दिखाने के बजाय या मस्जिद वग़ैरह हाईवेज़ ये दिखाने के बजाय इसने डायरेक्ट जो फ्रेंच कॉलोनी है कराची की उसको दिखाया है और ये स्टोरी सारी जो है बेस उसी जगह पर है मतलब इसकी जो सेटिंग है वो हॉस्पिटल में भी हुई है अब हनीफ यूज द वर्ड्स लाइक चोराज एंड मुसलीस तो, टू तो टू क्रिएट डिफरेंसेस बिटवीन कास्ट एंड रिलीजन टू तो ब्रिंग फोर्थ स्टेरियोट्राफिकल थिंकिंग अबाउट दैम इन द ना अब ये जो दो वर्ड्स हैं चोराज एंड मुसलीस ये जो है यूज़ किए जाते हैं क्रिश्चन और मुस्लिम के बीच में तो इस वर्ड्स को भी इस नावल में यूज़ किया गया है ये हम देखेंगे समरी में कि किस तरह कौन सी जगह पे इसको यूज़ किया है और कौन से करेक्टर ने यूज़ किया है अ ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर मोहम्मद हनीफ इन हिज़ नावल और लेडी एलिस्जबटी प्रेजेंट्स सिमिलर फिक्चर ऑफ़ द क्रिश्चियन कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करता है जो कि कराची में रहती है हनीफ थ्रू द यूज़ ऑफ़ वेरियस करेक्टर्स एंड सिचुएशन डिफेक्ट दिस के ग्रेव इशू द नावल पब्लिश ये हुआ था टू थाउजेंड अलेवन में चार मेन करेक्टर्स हैं और भी बहुत से ज़्यादा करैक्टर्स लेकिन चार जो है मेन करेक्टर्स हैं दीज फोर करैक्टर्स डील विद सोसाइट डिफरेंस डिफिकल्टीज अकॉर्डिंग टू दियर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस रिजलिंग फॉर यर फेयर शेयर इन मुस्लिम मेजोरिटी सराउंडिंगस तो इन करेक्टर्स के बारे में बताया गया है ये जो लाइन्स है अर लेडी ऑफ एलिस्टी इज़ अ री साउंड कन्फर्मेशन मोहम्मद हनीफ स्टोरी एंड रेज आर शे सोशल तो ये इसमें सोशल सटायर भी की गई है और जस बट्टी हुई चौड़ा ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी ये जो है एलिजटी के फादर हैं एंड फादर ऑफ एलिस भट्टी द प्रोटोगस्ट एलिस भट्टी जो कि प्रोटोगनिस्ट है इज़ अ करेक्टर थ्रू विच हनीप एग्जिबिट्स द स्टिगमटाइज क्रिश्चियन कमेनिटी वाइल एलिस समाइम्स गेट्स ए शेम्ड ऑफ हर लिविंग कॉन्डिशन लाइक जोसेफ पट्टी एक्सेप्ट एंड इवन टेक्स प्राइड इन बींग चोरा डिस्पाइट द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल अराउंड हर तो ये जो वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है जैसे चोरा तो आप भी समझ सकते हो और इस तरह बहुत से डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए यूज़ किए जा जाते हैं जैसे सो चौड़ा और मसली ये डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और मीनस इसको इन लोगों को इल ट्रीट किया जाता है पाकिस्तान में अब कुछ जगहों पर इसको वाकई इल ट्रीट किया जाता है द प्रोटोगिस्टर ऑफ एलिस बट्टी हु इज़ अ जूनियर नर्स एट दी सिक्रेडी अगेन एलिस बट्टी के बारे में थोड़ी बहुत एक्सप्लिशन है इसकी जो एक करेक्टर मतलब इसकी जो एज अ करेक्टर हम इसकी एक्सप्लिनेशन आगे देखेंगे करेक्टर्स में Hanif in this story, a tragic story of Elizabeth Bertie discusses various other issues about the caste system. So, caste systems, ke mein gaya mein. Metelab, uh, Muslims, Hindus, yeah, sorry, Hindus, nei, Christian. Ke mein he gives a voice of the subalternian and the troubled class, like whether they are the women subjected in society, marginalized Christian communities, or lower class people. Noor, a 17 years old symbolic character. Who हुज़ टू गो अंडर under who has to undergo many hardships for the treatment of his mother whose name is Zainab. So यहाँ पे नूर की भी बात आती है नूर की जो मदर हैं उसके नाम जैनब हैं और वो भी काफ़ी बीमार रहती हैं तो नूर उसके लिए भी परेशान रहता है नूर भी हमारे पास एक करैक्टर है जैनब भी एक करैक्टर है हमारे पास और इसी तरह जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज है उसकी बात की गई है और द ना द नावल एक्सेलेंटली एक्सेंटली शो केस इज़ द एक्सप्लेशन ऑफ द लोअर क्लास बाई देंड्स ऑफ अपर क्लास सोसाइटी एज नूर क्लेम्स तो नूर क्लेम करता है कि किस तरह जो हाइयर जो मतलब हाई क्लास है वो लोअर क्लास को एक्सप्लाइट करती है थिंक दैट सिस्टर एलिस अप इन अ ग्रेटर एंड स्टिल कैरियज दैट स्टंच सो आप इसका तरजुमा कर सकते हैं ईजी है कि जो एलिस है एलिस बट्टी उस वो किस तरह ग्रेवअप हुई थी और कहाँ से उठाई गई है बल्कि यह कहा कह रहा है नूर और उससे जो स्मेल किस तरह की स्मेल वो कैरी करती है तो ये जो है नूर क्लेम कर रहा है कि किस तरह जो है अपर क्लास वाले जो है लोअर क्लास को जो है इस तरह कमेंट्स या इस तरह डायलॉग से जो है उनको डिस्करेज करते हैं हनीफ हैज़ इंक्लूडेड अ यूनिक लव स्टोरी विच प्रोग्रेस बिहाइंड द मेजर थीम्स ऑफ द नावल तो एक लव स्टोरी भी है इसमें द रिलेशनशिप बिटवीन एलिस बट एंड टी डी बट टी बट भी हमारे पास इन दोनों की लव स्टोरी है टी बट और एलिजटी की एक्सप्लोर द इंट्रेस पैटर्न ऑफ फीलिंग लव एंड हेट हनीप टॉक्स अबाउट मार्शल प्रॉब्लम्स एंड ब्रेथ स्टेटमेंट शो केसिंग द ब्रिलियंस ऑफ हिज वर्क हनीप सिटायर्स द पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी को सटायर करता है एंड थ्रोज लाइट ऑन द ग्रेव मैटर्स ऑफ माइनॉरिटीज ड

मतलब किस तरह जो है जो लोअर क्लास है वो अपर क्लास है जो लोअर क्लास को एक्सप्लॉयड करता है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से फिर ये भी मुराद है कि जो क्रिश्चियन है और जो मुस्लिम्स है मुस्लिम्स किस तरह क्रिश्चियनों पे जो कमेंट्स पास करते हैं और जो क्रिश्चियन है वो किस तरह मुस्लिम्स पे कमेंट पास करते हैं द वर्ल्ड द वर्ल्ड शोड इन द ना इन टूडेज पाकिस्तान इज़ टोटली डिफरेंट विच वन एक्सपेक्ट्स तो इसमें पाकिस्तान के जो सिचुएशन uh, है जो इरा है वो भी दिखाया गया है द पेट्रिकल डोमिनट्स द पेट्रियारकी डोमेट्स एवरी वेयर मेकिंग वुमेन फील दैट दे हैव नो वर्थ इन दिस वर्ल्ड तो पेट्रियार्कियन सोसाइटी दिखाई गई जिसमें मेल डोमिनेंट रहता है दे रिजेंट अ सिंगल डे वन एलिस डज नॉट सी अ वमेन हु बींग पॉइजन सेक्ट सेक्ट हैंगड और शूट तो एलिस ने कभी ऐसा दिन नहीं देखा कराची के हालात की बात हो रही है कि किस तरह जो है वहाँ पर जो ये शूट वगैरह और कत्ल वगैरह ये सब कुछ वहाँ पे चलता था मींस लोगों को बोरी में बांध कर अगवा वगैरह कर उन पर उनको कत्ल करना ये सब कुछ कराची में आम था इवन वर्स्ट बेरेड अलाइव बाई हर ओन हस्बैंड ब्रदर और ब्रदर और फादर व्हेन एलिस फादर टोल हर दैट ही फाउंड अ टू गर्ल इन द ड्रेन कि इसके फादर ने इवन इसे बताया था कि उसे नल, जो नाला है उसमें इसको दो uh, जो गर्ल है वो मिली थी इट कैन बी अंडरस्टूड दैट द कंडीशन ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान इज़ तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते कि किस क्या हालात होंगे पाकिस्तान के इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दंडीशन ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान सेम कंडीशन कैन भी सीन इन मैनी अदर डेवलपिंग करी सच इज़ इंडिया एंड बांग्लादेश तो ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है ये सिचुएशन आपको इंडिया में देखने को मिलेगी मालदीव बांग्लादेश श्रीलंका ये सब ममालिक में ये सब कुछ होता है वुमेन आर हार्श्ट और एक्सप्लाइट ऑल दियर life while some might be aware of their situation some are not even aware of the fact that they are being wronged और यहाँ पे जो है हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं और अगली वीडियो में हम सेटिंग और डिफरेंट जो करेक्टर्स हैं समरी थीम वगैरह की बात करेंगे वो वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ऑफ ये